Hey guys, good morning. Welcome to my vlog. आप सभी का स्वागत है व्लॉग में और आप सभी को मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि हम लोग निकले हैं केरला के टूर के लिए और केरला टूर के लिए हम लोग पूरी फैमिली के साथ में निकल चुके हैं। अभी फ़िलहाल है हम लोग स्टेशन पे जो कि है नागपुर रेलवे स्टेशन। रात में 4 बजे की ट्रेन थी और रात में 4 बजे जो है हमारी ट्रेन डिले हो चुकी है और डिले होकर 5 घंटे 20 मिनट इतना डिले हो चुका है जिसकी वजह से हम लोग अभी तक नागपुर रेलवे स्टेशन पर ही है और आगे की जर्नी जो है अभी ट्रेन कुछ ही समय में यहाँ पर आएगी तो हम बोर्ड करेंगे और बोर्ड करने के बाद में जाने वाले हैं केरला, जो कि हम लोग उतरने वाले हैं कोची में, जो कि होने वाला है 30 आवर्स का ट्रेन जर्नी। काफ़ी लंबा सफ़र रहेगा, 30 घंटे हम लोग ट्रेन में जर्नी करने वाले हैं तो बहुत मज़ा करेंगे। ट्रेन की जर्नी भी आपको दिखाऊंगा, तो स्टे ट्यून विद माय व्लॉग्स। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। हम लोग अभी जा रहे हैं, हम लोग अभी केरला टूर पर, जैसे कि आप लोगों को पता है, और केरला टूर में मैं अभी हूँ ट्रेन में बैठा हुआ। करीब 30 घंटे की जर्नी यहाँ पर है और 30 घंटे की जर्नी में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन के हर एक कोच में, एसी कंपार्टमेंट में, और हमारे साथ में करीब करीब 20-20% है, मतलब कि 5 फैमिलीज हमारे साथ में ट्रैवल कर रही है। तो केरला टूर में हम लोग अभी जो है वो 20 आवर्स का जर्नी कर चुके हैं और अभी हम लोगों 10 आवर्स का जर्नी बाकी है। इस बीच में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो किस तरह से यहाँ का जो क्लाइमेट है और यहाँ की सीनरी है वो किस तरह से है, तो उसकी शॉट्स मैं आपको इस वीडियो में डाल दूंगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि खास करके जो नागपुर में हमारे साथ में हादसा हुआ है तो वो कैसा था। नागपुर में हम लोग, ये ट्रेन थी रात के 4:30 बजे की और 4:30 बजे की ट्रेन जो कि हमें बोर्ड करना था, लेकिन वो हम बोर्ड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो लेट चल रही थी और लेट थी 5 आवर्स एंड 20 मिनट्स। 5 आवर्स 20 मिनट लेट होने के बाद में ट्रेन जो है वो नागपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आने वाली थी, इसलिए हमने सारा सामान जो है, सारा लगेज जो है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर शिफ्ट कर दिया था और सारे बंदों को वहाँ पे तैनात कर दिया था ताकि हमें चढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। काफ़ी सारे बच्चे और सामान हमारे साथ में था, लगेज हमारे साथ में था, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे पहले ही बोर्ड कर लिया था। लेकिन ट्रेन डिले होते होते जो है वो 9:50 तक पहुँच गई और 9:50 को बोर्ड करने के लिए हम लोग जब ट्रेन का स्टेटस चेक कर रहे थे तब हमें पता चला कि ट्रेन जो है वो नागपुर स्टेशन निकल चुकी है, मतलब कि हम ट्रेन पे चढ़ ही नहीं सकते थे क्योंकि ट्रेन तो निकल चुकी है। तो अभी हम लोगों ने जब पता किया कि ट्रेन कहाँ है, ट्रेन आकर गई है या फिर ट्रेन आने की है, तो हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आकर खड़ी हो गई है और इसलिए फिर हमारी जो है वो इतने सामान, मतलब इतने लगेज के साथ में, इतने लोगों के साथ में जो भगदड़ हुई है भाई साहब, तो वो पूरी गलती जो है वो वहाँ के रेलवेज में जो कर्मचारी है, जो अनाउंसमेंट डिपार्टमेंट से है, उन लोगों ने किसी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं दी, किसी तरह की कोई अनाउंसमेंट या फिर किसी तरह का कोई जो बोर्ड चलता है, जो मैसेज चलता है कि उस पर दिखाया जाता है कि प्लेटफॉर्म पर ये नंबर की गाड़ी किस प्लेटफॉर्म पर आएगी, तो उस पर 6 नंबर ही बताया जा रहा था। और जो वर्किंग TC थे उनसे हमारी बातचीत हुई तो वो भी कह रहे थे कि हमें जो है उनको भी ये इस बात की जानकारी नहीं थी कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर जो ट्रेन हमारी आने वाली है वो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर न आते हुए 8 पर आ रही है, आकर खड़ी हो चुकी है और बड़े भागदौड़ के साथ में, जद्दोजहद के साथ में वो ट्रेन हम लोगों ने पकड़ ली। अब उसमें एक हादसा ये हो गया कि ट्रेन पकड़ते वक्त हमारे 2 पैसेंजर्स, मतलब कि हमारी आंटी और हमारी छोटी सिस्टर,
ये दोनों जो है वो लेफ्ट हो गए, मतलब वो रह गए। उन्हें लगा कि ट्रेन में शायद कोई हम लोग चढ़े नहीं, तो वो ट्रेन पर चढ़ ही नहीं पाए, तो हम लोगों को चेन पुलिंग करनी पड़ी। और चेन पुलिंग करने के बाद में वो उन्होंने भूखते दौड़ते जो है वो ट्रेन को पकड़ा और ट्रेन में बोर्ड हो गए, चढ़ गए। और देन हम लोग फिर ट्रेन में चढ़ने के बाद में जर्नी को स्टार्ट किया। मैं B1 कोच से जो कि इंजन से तीसरा चौथा है वहाँ से उतर कर पीछे के बोगी में जो कि जनरल डब्बा था, जनरल डिब्बे में आंटी और सिस्टर को लेने के लिए नेक्स्ट स्टेशन जो कि हमारा सेवाग्राम स्टेशन था वहाँ पर गया। और वहाँ से उनको फिर पिकअप करके जो है वो B4 जहाँ पे उनका रिजर्वेशन था उस कोच में उनको लाकर छोड़ा। तो ये हादसा हमारे साथ में हुआ। और काफ़ी पैसेंजर्स जो कि इस ट्रेन को बोर्ड करने वाले थे फ्रॉम नागपुर टू केरला एंड सम अदर स्टेशन, तो वो जो है वो बोर्ड कर नहीं पाए क्योंकि किसी को ये पता ही नहीं था कि 6 नंबर पर आने वाली गाड़ी जो है वो 8 नंबर से आकर निकल चुकी है। ये तो कुछ एम्प्लॉय थे वहाँ पर कमर्शियल डिपार्टमेंट के, जिन्होंने कैटरिंग से जो थे उन्होंने हमें बताया कि प्लेटफॉर्म पर गाड़ी 8 नंबर पर आ गई है, आप कृपया करके बोर्ड हो जाइए। तो हम जो है भागदौड़ करके प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर जाकर उस ट्रेन को बोर्ड कर पाए। इस तरह का जो हादसा हमारे साथ में इस ट्रेन के दौरान हुआ है, केरला टूर के दौरान, और इस तरह से हमारी शुरुआत हुई है टूर की। तो इस वाक्या को जो है वो काफ़ी देर से हम लोग दोहरा रहे थे क्योंकि ये हमारे साथ में ऐसा इंसिडेंट पहली बार हुआ है कि मतलब कोई छूट गया या गाड़ी जो है मिस होने वाली थी, और मिस होती थी तो केरला टूर मिस हो जाता था। तो होप के हमारे साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमारे साथ में कुछ अच्छी चीज़ें हुई है, मतलब होते होते हम लोग बुरी चीज़ें होते होते बच गए। और अभी हम लोग टूर में हैं और टूर के दौरान मज़े कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, पार्टी स्नैक पार्टी चल रही है। देन उसके बाद में हम लोग, आप देख सकते हैं अभी ट्रेन रनिंग में है और इस तरह का माहौल यहाँ पर है। आवर्स जर्नी में हम लोग क्या कर रहे हैं, और ट्रेन में काफ़ी बोर होता है तो फिर क्या करना चाहिए, तो हम लोग अंताक्षरी खेल रहे थे, फिर स्नैक्स हमने किया काफ़ी सारा। देन उसके बाद में कुछ स्टेशन पर गाड़ी जब रुकी तो हम लोग वहाँ उतरे और उतरने के बाद में वहाँ का फूड भी एंजॉय करने की कोशिश की। और साथ ही साथ में हम लोग, मैं पढ़ रहा हूँ किताबें, तो किताब जो है वो बुद्ध और उनका धम्म, ये किताब मैं साथ में लेकर चला था और अभी मैं इसको पढ़ रहा हूँ। तो बहुत ही पॉजिटिविटी हमें इस पे मिलती है, बुद्ध और उनका धम्म अभी यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ। और पढ़ते हुए बुद्ध और ब्राह्मण गांव में जब बुद्ध गए थे तो वहाँ पर क्या हुआ था उनके साथ में, किस तरह से उनके क्वेश्चनिंग किए गए थे, किस तरह पे उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे और बुद्ध ने उसका कैसे निराकरण किया, इस बारे में मैं पढ़ रहा हूँ। अभी 30 घंटे का जर्नी हम लोगों ने फिनिश किया है और हम लोग पहुँच रहे हैं एर्नाकुलम जंक्शन। और हमारे साथ में काफ़ी लगेज है, देख सकते हैं ये यहाँ पर पूरा सेटअप किया है, ये 3 बैगेज है, ये एक एयर बैग है, और यहाँ पर जो है सभी तैनात हो चुके हैं, सब लोग जो है अभी उतरने के मूड में है, सब लोग अभी तैयारी कर चुके हैं, हम लोग उतरने वाले हैं, डिटेन होने वाले हैं। और साथ ही साथ में टूर की यहाँ से ऑफिशियली शुरुआत होने वाली है जो कि है केरला की, तो अभी उतरते हैं। कुलम स्टेशन पे सभी का आगमन हो चुका है, हम लोग पहुँच गए पूरे लगेज के साथ में, आज कोई नहीं छूटा है, सब उतर गए बराबर से। अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर क्योंकि हमारा अभी जो यहाँ से व्हीकल किया है वो अभी राह देख रहे हैं, तो हम लोग अभी निकल रहे हैं। एर्नाकुलम स्टेशन के बाहर हम लोग निकल चुके हैं पूरे लगेज के साथ में, और ये जो आप गाड़ी देख रहे हो ये हमें रिसीव करने आई है ट्रैवलर, और सारा लगेज अभी चढ़ चुका है। और लगेज के बाद में अभी हम लोग रिलीफ फील कर रहे हैं, तो देख सकते हैं आप कितना रिलीफ फील कर रहे हैं।
सारा लगेज चढ़ चुका है, हम लोग अभी ट्रैवलर में बैठ रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं होटल रूम की तरफ। तो मिलते हैं होटल रूम में और होटल रूम में दिखाऊंगा किस तरह का है। तो लेट्स गो, लेट्स गो। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ होम टूर रूम का। एक्स्ट्रा बेड यहाँ पर लगा हुआ है और ये रहा मिरर, जिसमें हम तैयारी करने के बाद में खुद को देख सकते हैं कि किस तरह से ये हम लोग तैयार हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। देन ये दो रूम, दो सोफे हैं, काउच है बैठने के लिए और यहाँ पर एक टीवी का अरेंजमेंट भी है। रात के साथ में अगर यहाँ डस्टबिन है, देन इसके बाद में ये यहाँ पर एक केकली है जिसमें हम लोग चाय या कॉफ़ी बना सकते हैं, ऐसी सुविधा यहाँ पर दी हुई है। शुगर के पाउच है, टी बैग्स है और नेस्कैफे है, मतलब चाय कॉफ़ी हम यहीं पर बना सकते हैं और हम अपने हिसाब से मेक कर सकते हैं। देन इसके बाद में यहाँ पर एक छोटा सा फ्रिज दिया हुआ है फ्रूट्स रखने के लिए, और अगर आपको कुछ और चीज़ का शौक़ है तो वो भी रख सकते हैं। साथ ही साथ अभी ये रहा हमारा डबल बेड और अब ये रहा यहाँ पे रूम सर्विस के लिए कॉल करने के लिए ये हैंडीकैम दिया है, ये ऑपरेट कर सकते हैं। देन उसके बाद में ये है बाथरूम। बाथरूम कुछ इस तरह का है, तो आप देख सकते हैं ये मिरर है। देन ये यहाँ पे जो है बेसिन दिया है, ये लैट्रिन टॉयलेट बाथरूम, और देन यहाँ पर जो है ये शॉवर है। तो इस तरह का ये रूम है और भी बहुत से रूम है जहाँ पर काफ़ी लग्जरियस है, और ऐसे ही बहुत सारे रूम यहाँ पर हम लोगों ने ऑक्यूपाई किए। कम से कम 20 फैमिली है जिन्होंने हम लोगों ने मिलकर जो है ऑक्यूपाई किया है। तो काफ़ी बड़ी टूर फैमिली के साथ में हम लोग यहाँ पर आए हैं और अभी हम चल रहे हैं टूर के लिए। और ये जहाँ ये रूम है जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ, ये बेड है बड़ा, और सेम इसी तरह से वहाँ पर सारी चीज़ें हैं। और साथ ही साथ में फिर यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये है जहाँ पर बेसिन है, यहाँ पर आईना दिया हुआ है। देन उसके बाद में यहाँ पे जगवार की सीटी लगी हुई है और साथ ही साथ में ये टॉयलेट बाथरूम आप देख सकते हो, तो काफ़ी अच्छा है और मज़ा आता है देख के। और यहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हो, यही ऐसी जगह है जहाँ पे हम रिलैक्स महसूस करते हैं, तो ये काफ़ी साफ़ सुथरी है। तो अभी हम चलते हैं टूर में, बाकी साथी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, तो अभी मैं इसे लॉक कर देता हूँ और चलते हैं। आपको दिखा रहा हूँ कि होटल रूम में अभी एक हमारा हेल्थ क्लब भी यहाँ पे दिया हुआ है। आपको पता है कि मैं हेल्थ क्लब, मतलब मैं जिम से कितना प्यार करता हूँ और मैं लाइफस्टाइल में फिट रहने की बहुत कोशिश करता हूँ। तो ये हमारा है हेल्थ क्लब रूम है और यहाँ पर आपको इक्विपमेंट दिखाता हूँ। हमारा होटल रूम में जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं, देखो ये एक अच्छी स्टेशनरी मशीन है। आप यहाँ पे ऐप्स लगा सकते हो, यहाँ पर बटरफ्लाई कर सकते हो, आप यहाँ पर जो है योगा कर सकते हो, देन यहाँ पर आप थाइस की, लेग्स की भी एक्सरसाइज कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, और साथ ही साथ यहाँ पर एक अच्छा सा ट्रेडमिल भी दिया हुआ है तो आप देख सकते हो। तो शाम को हम ज़रूर यहाँ पर वर्कआउट करने वाले हैं क्योंकि मैं एक फिटनेस फ्रीक हूँ और फिटनेस ट्रेनर भी हूँ, तो मुझे इसका अहमियत पता है। और आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये होटल रूम के बाहर का सीन, होटल के बाहर का रूम, और ये नज़ारा है कुछ इस तरह से। ये हमारे जिम वाला दिख रहे हैं, ये पूरा नज़ारा है कोची का। सनसेट कितना अच्छा लग रहा है, अभी सनसेट होने का है लेकिन अभी उस तरह से वो जा रहा है, और बिल्डिंग्स कितनी सुंदर दिख रही है। तो ये होटल रूम से, जिम सेंटर से ये नज़ारा है। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे क्योंकि सब कर रहे हैं इंतज़ार
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।